हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जुबीन फोर। आज हम सीखेंगे कि मोबाइल से, आपके फ़ोन से आपने वीडियो थंबनेल कैसे अपलोड करनी है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है, इसमें आपने प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपने YT स्टूडियो सेलेक्ट करना है, यानी कि YouTube क्रिएटर स्टूडियो, YouTube स्टूडियो। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने ओपन करना है। मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपके सामने जो है ये पूरी डिटेल दे रहा है। इसमें आपने क्या करना है, जिस वीडियो के ऊपर आपने थंबनेल लगानी है उसको आपने ओपन करके, जैसे कि ये मैंने वीडियो ओपन की, आप इसके अंदर ये ऊपर, सबसे ऊपर आपको जो है पेन का निशान नज़र आ रहा है, इसका मतलब है एडिट करना। तो इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये ऐसे खुलेगा। इसके बाद फिर पेन का निशान है, इसमें आपने फिर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, तीन ये पहले से इसने ऑटो जनरेट की हुई हैं जो थंबनेल्स वो दे रहे हैं, और चौथी चेंज की ऑप्शन है। आपने चेंज की ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने जो भी थंबनेल अपने फ़ोन के अंदर सेव की हुई है, बना के रखी हुई है, आप उसको यहाँ पर ला के सेव कर सकते हैं। अगर जिन दोस्तों को नहीं पता कि थंबनेल बनाई कैसे जाती है, तो इससे पहले ये वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने सारा तरीका बताया था। ये बनाना बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको अपनी ज़ुबान में भी बना सकते हैं, उर्दू में बना सकते हैं, लेकिन उर्दू आपके फ़ोन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में उर्दू लैंग्वेज नहीं है तो फिर ये नहीं बनेगी। और दूसरी जो है इंग्लिश में तो आराम से ईज़िली बन सकती है। इसके अलावा आप दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। क्रोम खोल के तो उसके बाद आपने क्या करना है कि मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो जो है क्रोम के अंदर बिल्कुल लैपटॉप और कंप्यूटर के जैसे कैसे ओपन किया जाता है। तो आप पहले उसको देख लें, आपको पता चल जाएगा कि YouTube स्टूडियो जो है क्रोम के अंदर कैसे ओपन होता है। ये मैंने ओपन कर लिया। ये देखें, ये बिल्कुल सेम वैसे ही ओपन हुआ है जैसे ये लैपटॉप के अंदर ओपन होता है। इसमें आपने क्या करना है कि ये आपको सबसे ऊपर ये तीन बार नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे आपने देखना है, ये तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे वीडियो एडिटर मिलेगा, इसको आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपकी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। इसमें आपने क्या करना है, जिस वीडियो के ऊपर आपने थंबनेल अपलोड करनी है उसको आपने यहाँ से, ये मैंने इसके ऊपर करनी है, यहाँ पे ये फिर पेन का निशान आ गया। इसमें पेन के निशान पे हमने ऐसे क्लिक किया, ये वीडियो ओपन हो गई। इसमें ये देख लें आपके सामने, ये फिर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से ये चौथी ऑप्शन आपकी है, ये सबसे पहले। इसमें इसको आपने क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसको बाद आपको ये ऑप्शन देगा चेंज और डाउनलोड की, ये आपको नज़र आ रहा है। चेंज अगर करनी है, आपने बना के रखी हुई है, तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपने ये ऊपर में इसके नज़र आ रहा है सेव, आपने जो है इसको सेव कर देना है। ये किधर गया, सेव, ये सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इससे इसको आप बैक पे ले आए। अगर आप YouTube क्लासिक में आपने करना है तो आपको YouTube क्लासिक भी मिलेगा। ये सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसी YouTube को, ये स्टूडियो को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये सबसे नीचे आप देखें, लेफ़्ट साइड के ऊपर तीन आपको निशान नज़र आ रहे हैं। ये तीन निशान में सबसे आखिर पे जो निशान है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये सबसे नीचे जिस पे ये बंदा भाग रहा है उसका फ़ोटो लगा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। आपके सामने ऐसा खुल जाएगा, इसको आपने स्किप कर देना है। इसको आपने स्किप करना है। स्किप करने के बाद
ये आपको ऑप्शन दे रहा है बैक टू स्टूडियो और गो टू लिगासी क्लासिक। तो आपने गो टू लिगासी क्लासिक कर लेना है। लिगासी क्लासिक करेंगे तो उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ ये ओपन हो गया आपका फर्स्ट पेज। इसमें आपने देखना है ये लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर ये क्रिएटर स्टूडियो डैशबोर्ड वीडियो मैनेजर। वीडियो मैनेजर आपने ओपन कर लेना है। वीडियो मैनेजर हमने ओपन ओपन किया तो इसमें आपके ये सारी वीडियोस ओपन हो के आ जाएंगी। इसमें जिस वीडियो के ऊपर आपने थंबनेल लगाना है उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन जब करेंगे तो ये आपके सामने वही चार ऑप्शन आ गई। इसमें आपकी जो चौथी ऑप्शन है वो आपकी है। आपने इसमें जो भी थंबनेल अपने फ़ोन में सेव करके रखी हुई है, बना के रखी हुई है, आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसके बाद आपने ये ऊपर सेव चेंजेस कर लेना है, ठीक है, सेव चेंजेस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये ले, हमने अब इसको बैक किया। तो दोस्तों ये स्किप करके ना देखा करें, ये पूरी वीडियो देखा करें। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप नहीं समझेंगे तो आपको ये समझ नहीं लगेगी। तो जो भी मैं आपको टिप्स देता हूँ उसको आप गौर से देखा करें और पूरी की पूरी वीडियो देखें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप जो भी टिप होगी मैं अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।